सो वेलकम टू कंडाधार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीथिंग 07 आवर चैनल एंड मैं हूं मुकुल, ये है हिमांशु और ये है। सो अभी हम कहां पहुंच गए हैं? कंडाधार। सो अभी हम आपको बताएंगे कि कंडाधार में जो हमारा ट्रैक था वो कैसा रहा। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर शो हो। बेल आइकन को ऐसे दबाएं। कैसे दबाएं? ऐसे। सो लेट्स देख, बहुत लेट हो गया। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि धूप लग पड़ी है, तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं और आप भी करो शूट ऐसे एकदम से कैमरा नहीं लानेगा। सो अभी जैसे नए नए जाना, थोड़ा सा शाय फील करते हैं हम, तो थोड़ा कोऑपरेट कर ले। अभी आनंद काली माता के मंदिर से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, आप देख सकते हो। तो यार ट्रैक करने के लिए बहुत लेट हो गया, सब धूप सीधा मुंह पे पड़ रही है, बट आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ से ना पूरा पूरा व्यू खुल गया। आप यहाँ से महला दिखेगा, राह भी दिखेगी और ये रास्ता भरमौर को जाता है। अगर आपको ध्यान से दिखे तो 1, 2, 3, 4, 5 अभी तक 5 पहाड़ियों तक नजर जा रही है, 6 पहाड़ियाँ। अगर आपको दिख रहा होगा कि जो पॉइंट है ये सड़क बन रही है यहाँ को, पहले तो यहाँ के लोग पैदल आते थे बट अब सड़क का काम लग गया है, तो यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं सड़क से। और देखते हैं, पहले पहले लोग ना, और आपको दिखेगा तो जो ये एरिया दिख रहा है ना, यहाँ से लोग पैदल आते थे पहले यहाँ तक, बट अब सड़क का काम लग गया है, तो आने वाले टाइम में क्या पता कंडा को डायरेक्ट गाड़ी ही जाए। दोस्तों इसे हिमाचल में ऐन कहते हैं, ये खाने के काम भी आती है और बच्चों को डराने के काम भी आती है। समझ में आया क्या? सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी ट्रैक की, वो आपको शायद दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे दिख रहा है टॉप पे, यहाँ का प्लान बना अभी तक हमारा जाने का। सो अभी देखते हैं कि कब तक का बनता है, पर प्लान जो फाइनल हो गया यहाँ का। सो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा घर है, आई थिंक काफ़ी पुराना घर है पर अभी तक भी टिका हुआ है। वेलकम टू लोहा, एक लोहा गांव है। सो कंडा जो ट्रैक अभी तक कम से कम 45% हो चुका है कंप्लीट। सो देखते हैं ये गांव। तो अभी आपने तो सुन लिया होगा कि चैनल के जो मेंबर्स हैं उनकी क्या हालत है। थैंक्स फ्रेंड्स, आपने 2 दिनों में मेरे 50+ सब्सक्राइबर कर दिए, सो थैंक्स। इसी तरीके सपोर्ट करते रहे, शायद यूट्यूब की दुनिया में 50 सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ा नंबर ना हो, बट मेरे लिए यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो थैंक्स, इसी तरीके सपोर्ट करते रहे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स अब हम कंडा
मैं पहुंचना जंगल में पहुंच गया बस। यानी स्टार्टअप ही अभी जंगल का। तो कुछ है रुका कुछ चले हैं कंडे ऊपर ना इस पर डाल नहीं नहीं कल डाल नहीं लगता ब्रिक खर खर खतरा ना था फिर भी रिक खाए था खतरा कुछ तू कुछ है कंडे ने बना नहीं इतना फिर बना बीच डाल नहीं लगता शाबाश शाबाश पढ़ता क्यों नहीं अच्छा चलो चलो बढ़िया घर ऊपर नहीं दे रहे हैं कुछ जो अच्छा कंडे का आया नहीं करते आया नहीं करते ऐसी जाइए ऐसी कंडा थले जाने दे ऐसी कुछ जाना था घर थोड़ा ना कंडे मार के भेज जाना उसको और मेरे ने चंबे तेरे ऊपर क्यों चलेगा आना कुछ मौके रात की के हाँ कल लगी बंदा बंदा बैंड भी है ले भाजी खानी बिस्कुट दे यार ऐसे बिस्कुट दे ला बिस्कुट खाए ले ला वही पीजो चल खाए रख ले रख अब बात खाए ले दिखाने चल कोई चक्कर नहीं फ्रेंड्स। तो अभी हम चढ़ाई चढ़े जा रहे सुबह से कंडा की तो धूप भी काफ़ी लगने लग पड़ी है कुछ कुछ पॉइंट में धूप लग रही है जंगल के ये तो ज़्यादा करेरी में तो सिर्फ छाँव ही छाँव है। सो आपको दिख रहा होगा कि अब बस जंगल खत्म होने वाला है सो आप चेक कर सकते हैं कि अपना जंगल खत्म हो चुका है अब ऊपर लोगों के खेत हैं और लोगों का कहना है कि आज के टाइम पे जब मक्की के टाइम पे इस रास्ते से जाना इतना सेफ नहीं है क्योंकि मक्की खेत में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है बाहर लोगे हम लोग का। सब चेक कर सकते हैं कि नीचे नीचे का सारा जंगल है अब यहाँ से जंगल खत्म कंडा के काफी पास पास पहुँच गए सो थोड़ा सा ही बचा है लगभग थोड़ा कंडा के पास लगभग पहुँच गए अब ओके भाई ये तो भाई चुक्की ले जाओ ये चुक्की ले जाओ शायद आपको इस वीडियो क्लिप में कुछ पता ना लगा बट हमारे करीब से काफ़ी बड़ा 4 से 5 फीट बड़ा एक गिद्ध क्रॉस हुआ था जो कि काफ़ी भयानक था। सो इसी को समझाने के लिए मैंने आपको ये बकायदा स्पेशल एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। सो फाइनली कंडा आधार में पहुंच गए हैं बस कुछ कदम दूर और ये कंडाधार की जमीन पे हम पैर रखने वाले और सो वेलकम टू कंडाधार। ये कंडा में झील है और ये कंडा में वाटर टैंक जिसका पानी सप्लाई नीचे जैसे बाकी गांव में जाता है। सो सबसे पहले हम कंडा में मंदिर में जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कंडा क्या एक झील है छोटी सी और ये कंडा का एक पत्थर है तो यहाँ से आप ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं और यहाँ के जो भी व्यू है पूरा व्यू कैच कर सकते हैं कि हम कितने टॉप पे आ चुके हैं। ठीक है तो यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू कैच हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको चंबा दिख रहा होगा चंबा शहर अभी इतना क्लियर से तो दिखेगा नहीं क्योंकि फोन के कैमरे से वीडियो प्ले कर रहा हूँ। सो आई होप आप समझ गए होंगे चंबा सिटी शहर दिख रहा है समझ में आया क्या। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर शो हो जाए
और आपको कुछ भी इस वीडियो में कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।